हेलो बच्चों, आज हम लोग लॉग और एंटी लॉग की कुछ और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लॉग 57190। लॉग लेने में पहला स्टेप क्या था? स्टेप नंबर वन, पहले एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस द नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन। स्टेप टू, राइट द नंबर विच इज इन द पावर ऑफ 10 एज कैरेक्टरिस्टिक। स्टेप थ्री, यूज लॉग टेबल टू फाइंड मेंटिसा। ठीक है, चलो। तो पहला स्टेप क्या है, इसको हमें लिखना है 5.719 इंटू 10 to the पावर। 10 to the पावर में डेसिमल अभी यहाँ पर है बिल्कुल लास्ट में, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, 5 प्लेसेस शिफ्ट करना है तो 10 to the पावर 5। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें लॉग टेबल से, तो यहां से देखो मेंटिसा क्या आ गया, मेंटिसा तो आ गया, सॉरी मेंटिसा नहीं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ये 5 आ गया। अब मेंटिसा के लिए कहाँ जाना है, 57 के सामने लॉग टेबल में 1 एंड मीन डिफरेंस में 9, 57। ठीक, 57 हमें लॉग टेबल में कहाँ मिलेगा, 57 हमें मिलेगा लॉग टेबल में पेज नंबर 2 पर। ठीक, पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 57। ठीक, 57 के सामने 1, 1 के नीचे देखो 7566, और 57 के आगे जाओ, 57 के आगे ये पहुंच गए हम 9 पर, 7। तो 7566 ये आया हमारा। ठीक है, कहाँ से, 1 एंड 57 से, और उसके नीचे मीन डिफरेंस है 7, कितना हो गया 7573। ठीक है, 7573, ये नंबर हम कहाँ डालेंगे, ये नंबर हम डालेंगे यहाँ पर मेंटिसा में, 7573। ठीक, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये लॉग निकल आया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लॉग ऑफ 5719 ये लिखना है। इसको अगर तुम साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो 5.719 इंटू 10 to the पावर क्या हो जाएगा, 3। इसमें क्या होगा, 3 कैरेक्टरिस्टिक, और मेंटिसा तो 57 के सामने 19 वही नंबर रहेगा, 7573। ठीक है, अच्छा, अगर मैं और एक एग्जांपल लूँ, लॉग 0.005719 इसका क्या होगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो 5.719 सेम नंबर 10 to the पावर। जरा देखते हैं कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, तो 10 पावर -3। ठीक, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, -3 हो गया, और मेंटिसा को कैसे लिखोगे, प्लस करके, +0.7573। ठीक है, अच्छा, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 3 bar 0.7573, या अगर तुम चाहो बट बेटर यही है, बार लिख करके लिखना बेटर है, और -3 plus 0.7573 को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, और निगेटिव में 2 पॉइंट। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, -2.2427 ये आंसर आएगा। यहाँ पर ये माइनस अगर ऐसे लगाओगे, इसका मतलब है कि ये -2 -0.2427 है, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट भी कैसा है, निगेटिव है, जबकि इसमें जो फ्रैक्शन पार्ट है वो पॉजिटिव है। ठीक, तो ये जहाँ पे जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस, ऑल आर सेम, बट बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग लॉग इज दिस। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि इसका तुम वापस अगर एंटी लॉग निकालोगे तो वो बहुत इजी रहेगा, जबकि इसका अगर एंटी लॉग निकालोगे तो तुम्हें इसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन सपोज लॉग की वैल्यू तुम्हें फर्दर कहीं कैलकुलेशन में यूज करनी है, अगर सपोज तुम्हारी कैलकुलेशन है जहां पर एक कहीं पर लॉग का फॉर्मूला आया था, तुमको ऐसे लिखना था 3 plus 12 log 0.005719, सपोज ऐसे कैलकुलेशन थी, तो यहां पे तुम क्या करोगे, यहां पे 3 plus 12 इंटू -2.2427 का यूज करोगे। अगर कैलकुलेशन में ये नंबर यूज करना है तब ये बार वाला काम नहीं करेगा, तब यही नंबर तुम्हें लेकर के यहाँ पर यूज करना पड़ेगा उस कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बार वाला
वापस एंटी लॉग लेने में इजी करता है, लेकिन फर्दर कैलकुलेशन में यूज करना होगा तो हम ये नंबर यूज करेंगे। ठीक, तो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब देखो तुम लोगों को एंटी लॉग लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो एंटी लॉग लेना सिखाता हूँ मैं। इन्हीं नंबर्स का मैं एंटी लॉग लूंगा, -2.2427, ठीक है, 3.7573, 5.7573, इनके एंटी लॉग लेते हैं। ठीक है, पहले 5.7573, ठीक है, फिर हम एंटी लॉग लेंगे 3.7573 का, फिर एंटी लॉग लेंगे -2.2427, ठीक है, ये हमें एंटी लॉग लेने हैं। चलो, तो एंटी लॉग के लिए क्या करना है, सबसे पहले नंबर जो है 5.7573, इसमें तुमको क्या करना है, जो इसका मेंटिसा है, ठीक है, स्टेप्स लिख लो, स्टेप्स किसके लिए, फॉर टेकिंग एंटी लॉग। नंबर वन, एक्सप्रेस द नंबर सो दैट डेसिमल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं मेंटिसा, मेंटिसा इज पॉजिटिव, ठीक है, मेंटिसा को पॉजिटिव बना लो, वो अभी मैं बताऊंगा कब जरूरत पड़ती है। ये तब पर जरूरत पड़ती है जब नंबर निगेटिव है, इफ नंबर इज निगेटिव, जिसका हम एंटी लॉग ले रहे हैं वो निगेटिव नंबर है, फॉर एग्जाम्पल -2.2427। चलो, ये चीज फर्स्ट टू केसेस में स्टेप वन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, फर्स्ट टू केसेस में तो सब पॉजिटिव है। सेकंड केस, सेकंड स्टेप है, ऑब्जर्व द मेंटिसा, ठीक है, गो टू एंटी लॉग टेबल, और उस एंटी लॉग टेबल से क्या करना है, फाइंड एंटी लॉग, ठीक है, राइट दिस नंबर जो एंटी लॉग करके फाइंड हुआ, ठीक है, फाइंड एंटी लॉग एंड राइट दिस इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा, तो लेफ्ट में हम नंबर को एक नॉन जीरो नंबर डेसिमल के बाद लेफ्ट में छोड़ेंगे और बाकी सारा राइट में लिखेंगे, ठीक है। और थर्ड स्टेप होगा, यूज द कैरेक्टरिस्टिक टू राइट 10 to the power टर्म, ठीक है, यहां पे हम कैरेक्टरिस्टिक डाल देंगे, ठीक है। अब देखो, पहला स्टेप तो पहले वाले में करना ही नहीं है, सेकंड स्टेप ऑब्जर्व द मेंटिसा, गो टू एंटी लॉग टेबल, ठीक है। अब मेंटिसा कहाँ है, ये है, यानी हमें 3 को कुछ नहीं करना, 7573 एंटी लॉग टेबल में जाते हैं, 7575 मुझे एंटी लॉग में भी पेज नंबर 4 पे मिलेगा, ठीक है, 75 देखो, 75 ये है, ठीक, 7573 7 कहाँ है, ये है, ठीक, तो यहाँ पर आते हैं 7 पर, ये आ गए, ठीक, और 3 पर आते हैं मीन डिफरेंस में, ये आ गया, तो 5715 प्लस 4 हो गया, यानी 5719 हो गया, ठीक है, एक सेकेंड, 5719 मैंने 5719 लिख दिया। कैसे लिखना है, देखो, ऑब्जर्व द मेंटिसा, गो टू एंटी लॉग टेबल, फाइंड एंटी लॉग, राइट दिस इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, यहाँ पे डेसिमल लग जाता है, ठीक। अगला स्टेप, लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप है, यूज द कैरेक्टरिस्टिक टू राइट 10 to the power, तो मैं यहाँ पर इंटू 10 to the power कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 5 है, 5 लिख दिया, ठीक, 5.719 10 to the power 5, अगर तुम चाहो तो 10 to the power 5 मल्टीप्लाई कर लो, जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, तो 1, 2, 3 डिजिट जीरो तो यहाँ पे हो गए, 2 जीरो और आ गए, ठीक, ये नंबर आ गया। अब जरा ओरिजिनली चेक करो, जिस जब हमने लॉग निकाला था तो 5719 00 यही था, 5719 00 यही था, और इसका लॉग निकला था 5.7573। अब हमने इसका एंटी लॉग लेके निकाल के दिखा दिया कि 5719 00 आ गया। अब हम ये इसका एंटी लॉग लेते हैं, एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आ जाएगा, ठीक, तो जल्दी से आते हैं, जल्दी से, यस,
अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर सोचोगे, पहला स्टेप तो यहाँ पे करना नहीं है, सेकंड स्टेप मेंटिसा 7573 एंटी लॉक टेबल से हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो क्या आया था 5719 आया था, ठीक है, और हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में 5.79 नोट कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इनटू 10 टू द पावर जो कैरेक्टरिस्टिक है 3, तो ये 3 डाल दिया, अगर एक बार मल्टीप्लाई कर दो तो 5719 जनरेट हो गया, ओरिजिनल नंबर आ गया जिसका हम लॉग लेकर के ये इस पर पहुंचे थे, ठीक है। अब लास्ट में पहुंचते हैं, ये है सबसे ज़्यादा ट्रिकी, ठीक है, लेकिन जो मैंने तुम्हें तरीका बताया उसमें वो जरा भी ट्रिकी नहीं रह गया। क्या करना है, -2, ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ये माइनस है, ये माइनस कह रहा है कि डेसिमल पार्ट भी निगेटिव है, तो मैं डेसिमल पार्ट को भी निगेटिव लिख रहा हूँ, ठीक है, -2427, ठीक। ऐसे मैंने अलग से क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ, इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैंने 1 से ऐड कर दिया, और 1 ऐड किया है तो एक 1 माइनस भी कर दिया, तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा एंटी लॉग माइनस का 3 और प्लस 1 माइनस 0.2427, क्या मिलेगा सॉल्व करके देखो, 0.7573 मिलेगा। अब 7573 का तो हमने एंटीलॉग टेबल देख रखा है, 7573 का एंटीलॉग क्या आना है, जो हमारा ये आया था 5719, यहाँ भी 5719 आएगा, तो मैं यहाँ पर 5719 लिख दे रहा हूँ, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, डॉट लगा दिया, और इनटू 10 टू द पावर में किसको लिख दिया, 10 टू द पावर में हमने ये जो यहाँ पर माइनस 3 है कैरेक्टरिस्टिक, इस माइनस 3 को लिख दिया, ठीक है, -3। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग लॉग एंड एंटी लॉग, ठीक है। तो एंटी लॉग में ये स्टेप्स समझ में आ गए, एंटी लॉग में तुमने पहला स्टेप जो एक्सप्रेस द नंबर सो दैट मेंटिसा इज पॉजिटिव, ये काम हमने कहाँ किया, ये काम हमने यहाँ किया, ठीक है। मेंटिसा नेगेटिव, ये डेसिमल वाला पार्ट नेगेटिव था, इसको हम मेंटिसा नहीं बोलेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के बाद ये मेंटिसा बना है, ठीक है। मेंटिसा जब बना तब हमने एंटी लॉग टेबल में जाके मेंटिसा को देखा, 7.5 के सामने 7 और 3, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा इस तरह से ऑप्टेन हुआ, दैट कैरेक्टरिस्टिक विल बी पुट हियर, ठीक है। अब इसको तुम अगर लिखना चाहो तो डेसिमल में क्या लिखोगे, 5719 माइनस 3 है, तो डेसिमल एक बार यहाँ से उठ करके यहाँ आया, फिर उसके बाद 2 जीरो और लगाओगे, फिर डेसिमल बनेगा लगेगा, ठीक है। तो 2 जीरो और लगा देते हैं और 0.005719 हो गया, ठीक है। और इसी का हमने लॉग लिया था, देखो 0.005719 इसी का ही लॉग लिया था, तब हमें माइनस ये मिला था 3.7573 और -2.2427, ठीक है। तो हमें एंटी लॉग लेना आ गया, चलो ठीक है।